हेलो फ्रेंड्स, आज हम ढाबा स्टाइल पालक पनीर बना रहे हैं। पनीर तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ पंजाबी स्टाइल, आज हम ढाबा स्टाइल बनाएंगे। ढाबा स्टाइल पनीर बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पालक ली है, उसे रफली चॉप्ड कर लिया है और छोटा सा आधा कप पानी के अंदर मैंने 5 मिनट तक इसे बॉयल कर लिया है। पहले स्पैनिश को अच्छे से धो लें, धोकर रफली काट लें और आधा कप पानी लेकर इसको 5 मिनट तक बॉयल कर लें। ठंडा होने पर आप इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लें। तो फ्रेंड्स, पालक को मैंने मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम करते हैं इसका ग्रेवी तैयार, मसाला तैयार करते हैं, उसे देखिए। तो पालक को मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। पालक को इस तरह से आपने बॉयल करना है कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। फ्रेंड्स, आप इसको पालक को बॉयल करते समय ढके नहीं, ढक्कन ना दें और पास ही खड़े लें। 5 मिनट में इसको बॉयल आने दें और गैस से नीचे उतार लें और ठंडा कर लें। इस तरह से पालक कभी काली नहीं पड़ेगी और उसका कलर ग्रीन रहेगा, ओरिजिनल। तो इसके अंदर हमने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है, ये ओरिजिनल पालक का कलर है। फ्रेंड्स, पालक के साथ में मैंने बनाई है मूंग मसूर की दाल। मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए मैंने जीरे का तड़का लगा के मूंग मसूर की दाल बनाई है। ये होती है मूंग मसूर की दाल, जो कि मैंने छोटी सी कटोरी ली है, एक छोटी कटोरी बाउल में लिया है, उसमें मैंने 2 गिलास पानी डालना है। जीरा तड़का मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए 2 चम्मच देसी घी डाले हैं। चुटकी भर मैंने हींग डाली है और देसी घी गर्म होने के बाद 1 चुटकी भर हींग डालकर और मैंने जीरा डाल दिया है। जीरे को क्रैक होने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली और नमक डाला और लाल मिर्च डालकर मैंने दाल को डाल दिया, दाल को धोया और अच्छे से डाल दिया। धोने के बाद मैंने कुकर में अंदर डाल दिया। ये 2 गिलास पानी मैंने डाले इसके अंदर और 1 सीटी बजाई। एक ही सीटी के अंदर मेरी मूंग मसूर की दाल जीरे के तड़के वाली तैयार है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप भी बनाकर खाएं, खा के बताएं कैसी लगी आपको दाल, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, दाल में मैंने आज बंधानी हींग डाली है थोड़ी चुटकी पर। ये हींग बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी है, इसे कब्ज भी नहीं होती है, हाजमा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है फ्रेंड्स हींग डालने से। आप अगर आपके पास कैच की हींग है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार है। इसे मूंग मसूर की दाल बहुत ही हींग के तड़के के साथ मैंने थोड़ा सा चुटकी भर हींग डाली, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डाली, और उसके साथ मैंने जीरे का तड़का लगाया। ये जीरा देसी घी के अंदर चुटकी भर हींग और जीरे, इतना ही जीरा डाला बस, और उसकी खुशबू इतनी खूबसूरत, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च और हल्दी डाली और नमक डाला। बस इसी से हमारी मूंग मसूर की दाल तैयार है। फ्रेंड्स, बिना प्याज के तड़के के आप इस तरह से जीरे का तड़का लगा कर हींग का तड़का लगा कर खाएँ और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। वाकई ही बहुत टेस्टी दाल बनेगी फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पालक पनीर बना रहे हैं, ढाबा स्टाइल पालक पनीर। तो फ्रेंड्स, मैं पालक तो कर चुकी हूँ बॉयल, कर लिया मैंने 5 मिनट कढ़ाई के अंदर। आधा कप पानी डाल के मैंने इसको बॉयल किया और मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। बॉयल करते वक्त इसे ढकना नहीं है, यही इसकी एक टिप है, ढकना नहीं है। अगर हम ढकेंगे तो पालक काली हो जाएगी, ढक्कन ऊपर नहीं लगाना है, बिना ढक्कन के ही पालक को बॉयल करना है 5 मिनट्स। और पनीर है मेरे पास, पनीर को मैंने छोटे डाइट्स में काट लिया है, आप जैसा भी डालना चाहें डाल सकते हैं। अब पनीर को मैं फ्राई करने वाली हूँ। कढ़ाई के अंदर मेरा घी गर्म हो गया है और तड़के के लिए ये मैंने लहसुन, टमाटर और प्याज मैंने इसको रफली काट लिया है और एक हरी मिर्च, एक लाल मिर्च है मेरे पास, आपके पास हरी मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं पनीर डाल देती हूँ। पनीर को फ्राई कर रही हूँ, आँच मैंने तेज रखी है
बहुत ही नरम और सॉफ्ट है, बहुत ध्यान से हिलाना होगा मुझे भी। पनीर फ्राई हो चुका है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। पनीर को फ्राई करके मैंने बाहर निकाल लिया है, जो इसके अंदर घी बचा है घी उतना ही डाले जिसमें सब्जी बन जाए। इसमें जो घी बचा है इसके अंदर मैं ये कटे हुए प्याज टमाटर लहसुन डाल देती हूँ। एक बड़ी इलायची मैंने इसके अंदर से दाने निकाल के डाल दी हूँ, और मेरे पास लौंग पाउडर है, ये मैं पिंच ऑफ लौंग, बिल्कुल पिंच ऑफ लौंग पाउडर मैं इसके अंदर डाल दूँ, ज़्यादा ना डाली। टमाटर गलने तक मसाले को बना लें। बीच बीच में हिलाते रहें। ढाबा स्टाइल पालक पनीर बना रहे हैं। पहले मैं ये पालक पनीर बना चुकी हूँ पंजाबी स्टाइल में, तो आज ढाबा स्टाइल देखें प्लीज। तो ये पालक मैं कर चुकी हूँ, ये पनीर मैं फ्राई कर चुकी हूँ और इधर मसाला हो रहा है। इसमें मैंने डाला एक बड़ी इलायची, पिंच ऑफ लौंग पाउडर, थोड़े से मैंने डाली है हींग, पिंच ऑफ हींग डाली है। वो बस मसाले को इसको 10 मिनट फ्राई कर लेना है और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये लाल मिर्च है, इसमें आम खारी भी डाल सकते हैं अगर लाल मिलाना चाहते तो। अब इसके अंदर नमक मिर्च मसाले कुछ नहीं डाले, बस इसी तरह इसे फ्राई करना है। फ्रेंड इस तरह से आप बनाते हैं पनीर, पालक पनीर बहुत टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स मसाला तो भून चुका है, इसको ठंडा करके जो फ्राई कर लिया हम भी इसको ठंडा करके मिर्ची के जार में डाल लेंगे। ये मिर्ची के जार में मैंने डाल लिया ठंडा करके, थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी डाल के ग्राइंड करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इस मसाले को हम पीस लेते हैं अच्छे से। तो अब हम इसको पीस के आते हैं। फ्रेंड्स मसाले को ग्राइंड करने के बाद मैंने कढ़ाई में डाल लिया।
इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। हल्दी पकने तक मसाले को भूनेंगे। देखो फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भून चुका है। डालेंगे धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला डाल देते हैं। मसाला से सिर्फ अच्छे से भून चुका है और कढ़ाई छोड़ दी उसने, इससे पता चलता है हमारा मसाला भून चुका है। इसमें डाल देंगे हम पालक, पनीर फ्राई किया हुआ डाल देंगे, ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट तक स्टीम में भरने देंगे। पालक बनने के बाद हम थोड़ा सा डाल देंगे बटर, इसको स्टीम में बनने देंगे। ढक्कन लगा के 5 मिनट तक सब्जी को बना लेंगे, पालक पनीर की सब्जी ढाबा स्टाइल। 5 मिनट तक इसको बॉईल कर लिया है, सब्जी बन चुकी है हमारी। गैस को बंद कर देते हैं, सब्जी तैयार है। अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल लें, नहीं तो आप ताज़ी मलाई ले लें, दूध की ताज़ी मलाई ले लें और उसे डाल लें। और बटर डालें, इतना सा आप बटर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ढाबा स्टाइल मतलब पालक पनीर तैयार है। आप भी इसी तरह से बनाएं और खुश रहें।
फ्रेंड इस तरह से ढाबा स्टाइल पनीर हमारा पालक पनीर तैयार है। मैंने गरम गरम घी डाल दिया, मक्खन डाल दिया इसके अंदर गरम गरम पालक पनीर में। तो ये देखिए जो पालक है वो भी इसके अंदर फूल के बड़ी बड़ी हो गई है। पालक में भी इसको पनीर पालक में फूल गया क्योंकि उसको हमने 5 मिनट तक इसको पकाया ढक्कन रख के। तो फ्रेंड इस तरह से आप भी पालक पनीर ढाबा स्टाइल पालक पनीर एंजॉय करें, बना के बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस तरह से आप घर में ढाबा स्टाइल पालक पनीर बनाएं और एंजॉय करें। इसके साथ आप रोटी गरम गरम बनाएं या चावल के साथ खाएं, ये दोनों के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू सो मच।